अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के एक और व्लॉग में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और सबसे पहले आप लोगों को आज जुम्मा मुबारक। अच्छा दोस्तों, आज हमारा खाने का जो सिलसिला होगा वो हम स्टार्ट करवाएंगे आयजा से। तो आयजा जो है आज वो सारे बर्ड्स वगैरह को दाना डालेगी। आयजा आपने खाना डालना है और डरना नहीं है। तो आज देखते हैं कि टर्की वगैरह, बिल्कुल टर्की देखो कैसे बिल्कुल सामने आ गया और ये आयजा के ऊपर। आयजा डरो नहीं, मार रहा है आयजा को, वो देखें। अजलान फेंक दिया आपने, एक बात होती है, बोलते हैं कि गई बात गई भैंस पानी के अंदर, मगर यहाँ पे जो है दाना गया जमीन के ऊपर। ये वाला मिशन हमारा नाकाम हो गया है। ओ किसने मारा है? बबलू ने मार, बबलू तो ऐसे करता बच्चों के साथ। अजलान आप कैसे डालोगे इनको खाना अगर आप डर रहे हो? सब भाई मेरे ख्याल से ये सही वे नहीं है आपका खाना डालने का। आप दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा बोलते हो और आप खुद देखो कितनी हाइट से डाल रहे हो, सारा दाना नीचे गिरा हुआ है। अगर मैं दिखाऊं, करीब से भी दिखाऊंगा ना तो नज़र आ जाएगा, ये देखो सारा दाना नीचे गिरा हुआ है। हाइट से डालने की वजह से फेंकी है कि वो नीचे से हमला करते हैं और अगर नीचे गिर भी गए कुछ चीज़ छोड़ेंगे नहीं। अच्छा अभी मेरे ख्याल से कुछ थोड़े पिछले अगर प्रीवियस व्लॉग के अंदर अगर हम लोग जाएँ तो हमें एक बात याद आएगी कि आप कह रहे थे कि इतना बड़ा इंसान एक बटेर से डर रहा है। नहीं अभी टर्की, ये देखो टर्की मेरे बराबर में खड़ा हुआ, कुछ भी नहीं कह रहा, सिर्फ देख रहा है मुझे। फीमेल है ये, फीमेल को नहीं कहती, मेल करता है, ये मेल मारता है। मेल को तो मुर्गे मार रहे हैं, भाग रहा है वो इधर से। तो आप ऐसे दिखा दिखा के डालेंगे तो फिर वो करेंगे ना। सभा भाई के पास से खाना उधर जाओ। बबलू ने टक्कर मारी आपको? चलो एक चीज तो साफ नजर आ गई कि बबलू ने जो टक्कर मारी है, ठीक है, उस बात से ये नजर आ गया कि सारे के सारे जानवर जो है ना वो एग्रेसिव होते जा रहे हैं। और आप मुझे लग रहा है कि अब थोड़े टाइम में ऐसा होगा कि जैसे मुर्गियां, वो छोटी छोटी मुर्गियां, वो गोटियाँ उठा के भाग रही हैं उसकी, बटर स्कॉच की, तो इससे बस ये अंदाज़ा लगा लो कि अभी तो सिर्फ एक टर्की का मेल मार रहा है, तो थोड़े आने वाले टाइम के अंदर ना ये सारी की सारी जो है चोंचे मार रही होंगी, सबको खाना डालना मुश्किल हो गया। और बबलू को तो ऐसा ही है कि बबलू के बराबर में अगर कोई भी खड़ा हुआ, देखे अभी जैसे अबान खड़ा हुआ, उसको जोर से मतलब फोर्स कर रहा है उसको टक्कर मारने की। नहीं तो वजह क्या है, क्यों अग्रेसिव हो रहा है? खाना दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर क्यों अग्रेसिव हो रहा है? खोल नहीं रहे इसलिए? खोल नहीं रहे, एक जगह पे बंधा हुआ है काफी टाइम से। मैंने आपको बोला है कि इसको बाहर थोड़ा सा राउंड वगैरह लगाने के लिए, बकरा बकरी जिसे पहले छोड़ रहे थे ये छोड़ो थोड़े टाइम के लिए, ताकि ये बचे, ये होता रहेगा इस तरीके से, ये खत्म होने वाली चीज नहीं है। चलें अभी आप कबूतरों को तो दाना डालें, कबूतरों का दाना होगा अंदर रख दिया था पिंजरे के अंदर मैंने, क्यों अबान साहब, अजलान साहब ने यहाँ पे सारा बाजरा गिरा दिया, इतना डरपोक है। वैसे तो तीन बटेर मर गए बेटा, रोजा नहीं मर रहे वो बटेर, आज नहीं मरे तीन। अबान आज जाइए, वो लेके आइए, कहते हैं बबलू का खाना लेके आइए, भर के लेके आइए। अजलान वो बबली का वो जो है ना पतीला, वो उसको सही करके रखें। हाँ उधर कर रखते हैं, सामने रखते हैं। कबूतरों का सारा दाना डाल दिया आपने? अजलान ये कबूतरों का दाना और लेके आइए, क्योंकि इधर जो जर्मन ब्यूटी और ये बंदा है ना ब्लैक टेल, इनको भी खाना देना है, लेके आइए। आज वीकेंड है बच्चों का और आज बच्चे भी जो है ना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, वरना काफ़ी टाइम से मैं अकेला ही व्लॉग वगैरह कर रहा था। आज ये तीनों के तीनों मेरे साथ चिपके हुए हैं और आज व्लॉग बनवाने के लिए खुद से आए हैं। हाय, आप आज इस ड्रेस में क्यों हैं? आज जुम्मा है इसलिए। अच्छा तो आप तो स्कूल भी ये ड्रेस पहन के गई थी जी। क्यों
आज स्कूल में क्या था? आज स्कूल में वो नमाज पढ़ना था। क्या करना था? नमाज पढ़नी थी। नमाज पढ़नी थी, नमाज पढ़ना सिखा रहे थे आज स्कूल में, तो इसलिए ड्रेस पहन के गए थे स्कूल। अच्छा चलो, ये बबलू का खाना आ गया। बबलू का खाना डाल दिया? अजलान अजलान अजलान, ये वाली जो है ना, ये इसका दाना सारा उस छोटे वाले में डालना है, छोटे वाले में डालना है, और ये बबलू का आगे रख दें। फिर रख दें, इधर रख दें, बस सही है। मारेगा, मारेगा, मारेगा। ये लो खाना डालो, फिर बबलू को खाना डालो। अजलान इतना डर क्यों रहे हो? वो रस्सी उसकी बंधी हुई है, इतने दूर तो नहीं आ पाएगा यार। मार नहीं रहा वो आपके पीछे दाने के लिए आ रहा है, वो मार नहीं रहा आपको। और अबान वो पीछे वाले गेट की चाबी भी लेके आए ताकि ये पौंड का पानी निकाल लें, बहुत गंदा हो गया है। अब ये जो ब्लैक टेल वाले हैं ना, इनको भी हम दाना दे देते हैं। आज नबील भाई कह रहे हैं मैं ज़्यादा से काम करूँगा और आप ब्लॉगिंग करो। नबील भाई ये अंडे क्यों नहीं कर रहे यार, अब तो काफ़ी टाइम हो गया इनको। नहीं तो अंदर वो हमने प्याला रखा हुआ, प्याले के अंदर ग्रास भी रखी हुई है, लेकिन ये आ नहीं रहे उसके ऊपर, अपने एक्स लिंग पे आया नहीं रहे। बताओ भाई क्यों नहीं आ रहे हो? लोग पूछ रहे हैं, आम पूछ रहे, जवाब चाहती है जनता। जनता जवाब तो चाहती है, लेकिन आप जवाब दें ना, आपको बड़ा एक्सपीरियंस है मैंने सुना है। भाई मेरे को किस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा? मैं क्या जिना अस्पताल में कोई नर्स वगैरह का काम कर रहा हूं। अबान एक बोतल में पानी भर के लेके आए ताकि इनको पानी देना, इन दोनों जोड़े जो अंदर बंद है। ये एक बटेर हमारा बाहर निकला हुआ था, अभी नजर आया। अजलान पकड़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन अजलान से पकड़ा नहीं जा रहा। अजलान क्या हो गया, एक बटेर नहीं पकड़ पा रहा यार। चलो मैं पिंजरा यहाँ से उठाता हूँ। चलो उठा उठा उठा, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। पाँव के नीचे ना आ जाए अजलान, पानी डाले ना, खोले। इस वाले में पानी है, इधर वाले में पानी डालेंगे आप। ढक्कन खोले ना पहले आप। हाँ तो उस टाइम तो आपसे नहीं पकड़ा जा रहा था, आप पकड़ लिया ना आपने। आराम से जाओ अंदर डाल दो उसको, शाबाश। आज बटेरों को भी देखते हैं कि बटेरों की क्या कंडीशन है, क्योंकि कल से तो लेकिन नहीं। नबील भाई एक बात बताऊँ आपको, जो अभी जिंदा हैं वो थोड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं मिट्टी में छोड़ने की वजह से, मुझे ऐसा फील हो रहा है। अच्छा, कल शाम से छोड़ा हुआ ना, इनके पास पानी रखना। पानी नहीं, कमेंट्स में भाई हमारे एक बात भाई दोस्त ने बोला है, वो कह रहे हैं कि इनको पानी कम दें और जिस तरह ये बीमार हो रहे हैं, सुस्त हो रहे हैं, तो इनको लहसुन दें। और पानी का यही बोला कि कम से कम पानी दिया करें इनको, बटेरों को जितना ज़्यादा पानी देंगे ये मरते हैं, बीमार होते हैं। बच्चों ने खाना डाला, बबली को खाने की कोई ख़त्म हो गया, मेरे हाथ से कम डाला इन्होंने। अजलान बबली के लिए भी खाना लेके आए, और भाई को बोले बबलू के लिए भी लेके आए खाना, और आप लोगों ने खाने इतना सा डाला ख़त्म हो गया। आज कराची में जो है ना मौसम भी थोड़ा कदरे बेहतर है, पिछले जो काफ़ी दिनों से जो गर्मी की शिद्दत थी ना, उस हिसाब से आज थोड़ा सा मौसम अच्छा हुआ हुआ है। ज़रा बादल वगैरह आए हुए हैं, थोड़ी देर आते हैं फिर थोड़ी देर चले जाते हैं, ऐसा है। और गर्मी की शिद्दत भी थोड़ी कम है। यहाँ पे डाल दें इसको, बबलू को डालें, ये वाला हाँ डाल दें, डाल दें, करीब नहीं जाना, टक्कर मार रहा आज के लिए। अबान मुंह पे ना मार दे।
ये बॉल उठा के बबली के आगे रखो, उसको पता ही नहीं खाना डाल दिया आपने, वो उधर लगी है। डालें इधर डालें, बाहर थोड़ा करीब कर देना। नेस्ले मिल्क पैक, हाँ तो अभी वो ले आओ उसको, बटर स्कॉच वो अलग दूध पिला देते हैं अभी, फिर जाके मैं इसके लिए मुर्गी की गर्दन ले आता हूँ। मैं फ़ौरन मिल्क पैक दे देते हैं, बहुत ज़्यादा भूखा हो रहा है ना, फिर मैं जाके खुला दूध भी ले आता हूँ और वो भी ले आता हूँ इसकी गर्दन है ना, थोड़ा सा सर्वाइव तो होगा ना इस, तब तक उसको कुछ आसरा तो होगा। वो देखो उधर आगे पहुँच गया, डेली का रूटीन है ये, देखो दोनों वहाँ पहुँच गए। इनको पता है हमारी रूटीन क्या है, कि पहले इनको दाना डालते हैं, कबूतरों को डालते हैं, बबलू बबलू को देखे, फिर हम बटर स्कॉच की तरफ आते हैं, और ये पहले से आके दोनों शिकारी यहाँ खड़े हो गए। ये देखो ये रहा, बटर स्कॉच को जो है ना अभी हम ज़रा दूध दे देते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास जो है ना वो मुर्गी गर्दन में नहीं है, वो जाके मैं लेकर आऊँगा, और तब तक इसको जो है मीनवाइल ये दे देते हैं ताकि इसका पेट थोड़ा सा भरे। आज देखना ये है कि ये जो शिकारी है ये क्या खाएगा, पहले तो बोटियों पे हमला करता था ना, अब दूध पे हमला करेगा क्या? बटर स्कॉच मेरा, बाहर आ जाओ बाहर। तो दूध भी पी रहे इधर आके, पीने दो बान, छोड़ दो। अंदर रख दो दूध, अंदर रख दो। बिल्कुल उतावला हो रहा है। चलो इनका खाना वगैरह सबका हो गया, बस अब बबलू बबली को जो है वो देना है कहते हैं पानी। नबील भाई जो है इसकी पौंड की जो है ना वो ज़रा जो बाउंड्री है वो बाउंड्रियों को साफ़ कर रहा है, क्योंकि काफ़ी वो ख़राब हो रही हैं, गंदी हो रही हैं, तो पानी नया हम भर देते हैं, लेकिन वो पानी फ़ौरन ही गंदा हो जाता है बॉर्डर्स के गंदा होने की वजह से। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अभी बबलू को बबली को जो है थोड़ा टाइम के लिए बाहर ले जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया हम लोगों ने इनको बांधा हुआ है, और ये इतने आदी नहीं है बंदे रहने के, क्योंकि पहले हमारे पास खुले रहा करते थे, तो आज थोड़ा सा इनको इन्जॉय करवाते हैं और इनको जो है ना बाहर लेके जाते हैं, थोड़ी देर इनकी चहलकदमी वहाँ पे हो जाएगी, फिर इनको वापस लाके बांध देंगे। चलो आ जाओ बबलू, चले आज तुम्हारे को बाहर की सैर कराएं, बस उन्हें टक्कर नहीं मारनी है, टक्कर नहीं मारनी है, आ जाओ। बस क्या हो गया, एक तो तुम्हें बाहर लेके जा रहा हूँ, ऊपर से टक्कर मार रहे हो मुझे, हैं? चलो आ जाओ। ये बबलू के स्टाइल चेक कर रहे हैं आप, अजलान करीब नहीं आ रहा। अजलान क्या हो गया, मार नहीं रहा, प्यार कर रहा है, खेल रहा है आपके साथ, खेल रहा है आपके साथ। ये देखे इसके बबलू की कान में, ये देखो ये आपसे खेल रहा है, आपसे मस्तियां कर रहा है, ये मार नहीं रहा आपको। वो देखो, वो देखो बबली बबली मचल गई है। अजलान क्या हो गया यार, ये तो मुझे भी मार रहा है, मार नहीं रहा ये खेल रहा है, वैसे बेसिकली हम लोग बाहर में बोल रहे हैं मार रहा है मार रहा है। उधर भी जब अंदर बंदा हुआ था ना ये इसीलिए टक्कर मार रहा था, क्योंकि ये रिट्रेट हो रहा था वहाँ बंदे बंदे, काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी दिनों से वहाँ बंदा हुआ था। अजलान आपसे ज़्यादा ताकतवर थोड़ी है बेटा, आप ज़्यादा ताकतवर हो ना, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। बबली के पीछे पीछे चला गया बबलू, ये आपके साथ खेल रहा है ना।
अजलान अब वो बोल रहा कि आप अंदर रहो मैं बाहर घूमूंगा, वो आपको अंदर भेज रहे बार बार। ये देखो अजलान बाहर आओ, अजलान बाहर आओ, देखो क्या करता है बबलू। बबलू अजलान बाहर आ गया। आज माशाल्लाह बबलू खुश हो गया, मस्तियाँ इसकी आप चेक कर चुका है। काफ़ी टाइम बाद ये बाहर निकला है खुली हवा में ना, और बगैर रस्सी के फिर रहा है, तो इसलिए अब बहुत हैप्पी हुआ है, बहुत मस्तियाँ कर रहा है। अजलान पकड़ो, क्या हो गया है? दोस्तों बबलू बबलू को हमने बांध दिया है। आपने वैसे वीडियो में देख लिया कि अजलान की कैसी पिटाई की है बबलू ने, बट एनी हाउ अभी बबलू को बांध के, और अभी जो है असर की नमाज का टाइम हो गया, तो ज़रा असर की नमाज़ पढ़ लें। और एक कारपेंटर से बात हुई है आज, फिर तो उसने बोला कि मैं असर की नमाज के बाद आऊँगा, तो लेट्स सी देखते हैं आज उससे क्या बात होती है। बस आप लोग हमारे लिए दुआ करें कि ये जो हमारा बहुत बड़ा मसला अटका हुआ है ना, ये मसला हल हो जाए, तो जल्द से जल्द जो है ये हमारे जो है वो पिंजरे रेडी हो जाए। बस कल रात में भी ये मैंने कोशिश करके ये वाला एक पट्टा मैंने लगा दिया, ठीक है, लेकिन ये है कि इसकी जो फ्रेमिंग है वो फ्रेमिंग करना ज़रा मुश्किल हो रही है मुझसे, मैं नहीं कर पाऊँगा, तो इसलिए कारपेंटर को बुलवाया है। ये था दोस्तों मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और अपनी अच्छी अच्छी राय से हमें कमेंट्स के अंदर आगाह करें। इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ।